हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पित्त दोष। तो जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर वात दोष पूरा डिटेल में कवर किया था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा वात दोष। और जिन स्टूडेंट्स ने वात दोष नहीं देखा है और कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष मीन्स जो मैंने बेसिक्स बताए थे त्रिदोष के, वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी है, तो वो क्रिया शरीर की प्लेलिस्ट में से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। ताकि शुरुआत से अगर आप मेरी वीडियोस देखते हुए आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में याद भी रह जाएगी और इसमें आप फुल आउट ऑफ फुल नंबर भी ला सकते हो। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पित्त दोष की। तो पित्त दोष क्या होता है, कैसे कैसे इसके गुण होते हैं, कैसे काम करता है पित्त दोष, कितने प्रकार होते हैं पित्त दोष के, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। तो खाना खाने के बाद जो फूड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मींस जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो फूड का डाइजेशन होता है यूजफुल फॉर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन करवाने का काम करता है वो कौन करवाता है? पित्त दोष करवाता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म इज डन बाय पित्त दोष। उसके बाद में हम बात करते हैं पित्त की निरुक्ति की। तो पित्त की जो निरुक्ति है या व्युत्पत्ति है वो क्या है? तप संतापे। तप संतापे का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ हीट, मतलब हीट को पैदा करना, ये है पित्त की निरुक्ति। उसके बाद में हमें सिनोनिम्स देखने हैं पित्त के। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची ऑफ पित्त। तो जो सिनोनिम्स है पित्त के वो है अग्नि, इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पित्त। अग्नि वर्ड है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है पित्त दोष के लिए। उसके बाद में बात आती है पित्त दोष का स्वरूप या स्ट्रक्चर ऑफ पित्त दोष। उसके लिए जो श्लोक आया हुआ है वो है पित्त आग्नेयम। इसका मतलब क्या है? जो पित्त होता है वो फायरी होता है नेचर के अंदर। पित्त का जो नेचर होता है वो फायरी नेचर होता है पित्त का। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है पंचभौतिक कंपोजिशन। अब पंचभौतिक कंपोजिशन क्या है पित्त दोष का? वैसे तो पित्त दोष का जो पंचभौतिक कंपोजिशन है उसको अग्नि माना जाता है प्रीडोमिनेंस के अंदर, लेकिन ऐसे तो पांचों महाभूत होते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, पित्त दोष के अंदर ऐसे तो पांचों महाभूत होते हैं लेकिन वहाँ पर जो डोमिनेंस है वो अग्नि महाभूत का माना जाता है। लेकिन डलन हमारे आचार्य है वो क्या कहते हैं, अग्नि और जल का प्रीडोमिनेंस होता है पित्त दोष के अंदर। तो पित्त दोष के अंदर जो डलन है वो ये कहते हैं कि अग्नि महाभूत प्लस जल महाभूत दोनों महाभूतों का डोमिनेंस होता है पित्त दोष के अंदर। उसके बाद में एक टॉपिक है पित्त एंड अग्नि। अब पित्त और अग्नि क्या होता है उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो पित्त इज द सब्सटेंस विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। जो पित्त दोष होता है वो एक सब्सटेंस है या एक एलिमेंट है, उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है और स्पेसिफिक फंक्शंस है उसके। अब जो अग्नि होती है वो एक एनर्जी है जो रिसाइड करती है पित्त दोष के अंदर। अब अग्नि मीन्स हॉट एंड पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज। अब जो अग्नि होती है वो उष्ण होती है और तीक्ष्ण होती है, मीन्स उसमें हॉटनेस होती है और पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है अग्नि के अंदर। एंड ऑल द डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। फिर उसके बाद में हॉट एंड पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो मेन प्रॉपर्टी ऑफ पित्त। अब जो हॉट और पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है वो भी मेन प्रॉपर्टी है पित्त की, बट प्रॉपर्टी इज लाइक लिटिल ऑयली। जैसे कि पित्त दोष की प्रॉपर्टी है लिटिल ऑयली फ्लूइड, अनप्लीजेंट स्मेल ऑल्सो एक्सिस्ट इन पित्त। अब जो बाकी की प्रॉपर्टीज है पित्त दोष की, जैसे कि स्निग्धता, द्रव्यता, अनप्लीजेंट स्मेल, ये भी प्रॉपर्टीज पित्त दोष के अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर जो डाइजेशन इज मेन फंक्शन ऑफ पित्त, बट पित्त ऑल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन। अब जो डाइजेशन है वो मेन फंक्शन है पित्त दोष का, ऐसा नहीं है पित्त दोष का मेन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन है। मैंने यहाँ पर ये कहा है मेन फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन पित्त दोष का, उसके अलावा और भी फंक्शन है पित्त दोष के, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि जो अग्नि होती है वो एक एनर्जी है जो पित्त के अंदर रिसाइड करती है। पित्त के और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि स्निग्धता, द्रव्यता, अनप्लीजेंट स्मेल, जो पित्त दोष के अंदर रहती है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त दोष। अब पित्त दोष के गुण क्या क्या होते हैं इसी की बात अभी चल रही थी ऊपर की साइड, पित्त दोष की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो हम डिटेल में देख लेते हैं। अब जो पित्त दोष के जो गुण होते हैं उनके लिए जो एक श्लोक आया हुआ है वो है पित्त स्नेह तीक्ष्णो उष्ण लघु विश्र सर्व द्रव्यम। अब इसका मतलब क्या होता है? स्नेह का मतलब तो होता है स्निग्ध मीन्स ऑयलीनेस,
हेल्प्स टू मेक फूड सॉफ्ट। ये क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करने में काम में आता है। अब जो तीक्ष्ण है उसका मतलब क्या है, शार्प, शार्प मीन्स तीक्ष्ण। अब ये क्या है, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में बात आती है उष्ण की, उष्ण मीन्स हॉट, हेल्प इन डाइजेशन। फिर उसके बाद में बात आती है लघु, लघु का मतलब क्या होता है, लाइट। उसके बाद में विस्र, विस्र मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल। उसके बाद में सर, सर मतलब क्या होता है, फैलने वाला। और लास्ट ही प्रॉपर्टी है, लास्ट का जो गुण है पित्त दोष का, वो है द्रव्यम। द्रव्यम मतलब क्या होता है, लिक्विड। एक बार हम वापस से गुण देख लेते हैं पित्त दोष के। स्निग्ध मतलब मैंने आपको क्या बताया, ऑयलीनेस बताया। तीक्ष्ण मतलब क्या बताया मैंने आपको, शार्प बताया। उष्ण मतलब क्या बताया मैंने आपको, हॉट बताया। और ये मेन प्रॉपर्टी है पित्त दोष की। वात दोष की मेन प्रॉपर्टी क्या थी, चल मीन्स मोबिलिटी। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो है लघु, लघु मीन्स क्या है, लाइट। प्रॉपर डाइजेशन क्रिएट्स लाइटनेस इन बॉडी। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन होगा तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, लाइटनेस हो जाएगी। हमारा जो पेट है वो भारी भारी नहीं रहेगा, अगर फूड का अच्छे से डाइजेशन हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद में बात आती है स्वर की। अब स्वर मतलब क्या होता है, फ्लूइड या फ्लोइंग कैरेक्टर, मतलब जो चीज़ फैलने वाली होती है वो। उसके बाद में बात आती है विस्र, विस्र मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल, मीन्स आम गंध वाला। उसके बाद में जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है द्रव्यम, द्रव्यम मतलब क्या होता है, लिक्विड। पित्त कंसिस्ट लिटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फ्लोइंग नेचर। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पित्त दोष होता है उसके अंदर लिटल अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है फ्लोइंग नेचर के लिए। जो उसका नेचर है फ्लोइंग कैरेक्टर वाला, सर वाला, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रॉपर्टी, द्रव्यम वाली प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हो, अग्नि के अंदर वाटर एग्जिस्ट करता है क्या, अग्नि के अंदर तो वाटर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन पित्त दोष के अंदर वाटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इतना ऐसा समझो कि जो पित्त दोष है वो अलग चीज़ है और जो अग्नि है वो अलग चीज़ है। जब हम अग्नि पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, इनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिसिमिलरिटीज़ क्या है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रखो जितना मैंने बताया है आपको। उसके बाद में पित्त दोष के स्थान की बात करते हैं हम, कॉमन साइट्स ऑफ पित्त दोष। तो कॉमन साइट्स ऑफ पित्त दोष के लिए जो श्लोक आया हुआ है वो है स्वेदो रसो लसिका रुधिर मा आमाशयच पित्तस्थानी तत्र व्याप्य आमाशयो विशेष पित्तस्थानम चरक सूत्र स्थान 20वां अध्याय 7वां श्लोक। तो यहाँ पर जो कॉमन साइट्स है, जो कॉमन स्थान है पित्त दोष के, वो कौन कौन से हैं, स्वेद, स्वेद मीन्स क्या है, स्वेट। उसके बाद में रस, रस मीन्स क्या है, प्लाज्मा। फिर लसिका, लसिका मीन्स लिम्फ। फिर उसके बाद में रुधिर, रुधिर का मतलब होता है रक्त, रक्त मीन्स ब्लड। उसके बाद में आमाशय, आमाशय मीन्स स्टमक। उसके बाद में नाभि, नाभि मीन्स अराउंड एम्बेलिकस, एम्बेलिकस मीन्स नाभि, जो हमारे पेट के बीच में रहती है सेंटर में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आइस, आइस मीन्स चक्षु, चक। तो ये सारी जो सात जो साइट्स बताई है यहाँ पर जो है वो पित्त दोष का स्थान रहता है। कौन कौन सी, स्वेद, रस, लसिका, रक्त, आमाशय, नाभि और चक्षु, यहाँ पर पित्त दोष का स्थान होता है। और जो मेन साइट है पित्त दोष की वो है आमाशय मीन्स स्टमक, यहाँ पर मेन साइट है पित्त दोष की। तो ये सात स्थान आपको याद रखने हैं यहाँ पर पित्त दोष का स्थान होता है। उसके बाद में बात आती है फंक्शंस ऑफ पित्त दोष। अब फंक्शंस क्या क्या हैं पित्त दोष के, पित्त दोष के कर्म क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। तो पक्ति, सबसे पहला फंक्शन क्या है, पक्ति, पक्ति का मतलब होता है पाचन करना, मीन्स डाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड, और ये मेन फंक्शन है पित्त दोष का। उसके बाद में जो सेकंड फंक्शन है वो है ऊष्मा, ऊष्मा मीन्स हीट, इट गिव्स प्रॉपर हीट, अग्नि प्रदान करेगा फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। अब पित्त दोष क्या करता है, अग्नि प्रदान करता है डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है दर्शन, दर्शन का मतलब होता है विजन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पित्त दोष का स्थान कहाँ पर है, चक्षुओं में है मींस आइज में है, तो आइज का काम क्या होता है, देखना मींस विजन। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है पित्त दोष का वो है भूख लगना, भूख लगने का मतलब होता है हंगर, मतलब खाने के लिए भूख लगना, ये भी किसका फंक्शन है, पित्त दोष का फंक्शन है। उसके बाद में प्यास लगना भी मींस थ्रस्ट, ये भी पित्त दोष का फंक्शन है। उसके बाद में रुचि मींस इच्छा, भोजन के प्रति इच्छा जो होती है हमें वो पित्त दोष के कारण होती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्रभा, प्रभा मतलब क्या होता है, ग्लो करना, इट गिव्स गुड कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, ये स्किन को ग्लो करवाने के लिए बहुत अच्छा
गुड कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी मीन्स मेधा। मेधा मतलब क्या होता है? धारणात्मक बुद्धि, चीज़ों को समझने की जो कैपेसिटी होती है वो भी पित्त दोष के कारण होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है शौर्य। शौर्य मीन्स क्या होता है? करेज या ब्रेवनेस। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा को बनाए रखना, इट मीन्स मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। उसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है शरीर की मृदुता बनाए रखना। मृदुता का मतलब होता है सॉफ्टनेस। तो ये क्या करता है? हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर सॉफ्टनेस बनाकर रखता है पित्त दोष। उसके बाद में जो लास्ट फंक्शन है पित्त दोष का वो है प्रसाद। प्रसाद मतलब क्या होता है? मानसिक प्रसन्नता मीन्स मेंटल हैप्पीनेस। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं? पित्त दोष के फंक्शंस हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। पक्ति मीन्स पाचन, ऊष्मा, दर्शन, भूख लगना, प्यास लगना, रुचि मीन्स इच्छा, भोजन के प्रति जो इच्छा होती है वो भी पित्त दोष के कारण होती है। उसके बाद में प्रभा, प्रभा मीन्स ग्लो करना, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, शौर्य मीन्स करेज, मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मेंटेन सॉफ्टनेस ऑफ बॉडी, फिर उसके बाद में जो मेंटल हैप्पीनेस, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये होते हैं पित्त दोष के फंक्शंस। तो गाइज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम पित्त दोष के जो 5 प्रकार होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और गाइज ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।